अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है कट्रीज मेकअप करेंगे टू फाउंडेशन मिला के। आज मैं आपको फेयर और मीडियम टोन का फाउंडेशन मिला के बेस बनाना बताऊंगी। आप लोग देख सकते हो मैंने फेयर और मीडियम टोन के दोनों फेस फाउंडेशन को फेस पे लगा के दोनों की साथ ब्लेंडिंग की है। ठीक है, दोनों को टैप करके आपको साथ ब्लेंडिंग कर लेना है। आपके पास कोई भी फाउंडेशन है आप उसका मीडियम टोन और फेयर टोन मिला के इस तरह बेस बना सकते हो। यहाँ जो है आप कंसीलर, मैंने कैमोफ्लाज पहले नहीं किया था तो इसीलिए मैं कंसीलर बाद में लगाया मैंने, और उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर लिया। बहुत अच्छे से ये सेट हो गया। उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग की अपनी। कॉन्टोरिंग की क्लास, कॉम्पैक्ट पाउडर, लूज पाउडर के डिफरेंस की क्लास और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। जिन्होंने अब तक क्लासेस नहीं ली है वो मेरे चैनल पर जाएँ और वो क्लासेस भी ले लें। बेसिक सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और मैंने आपको अपने चैनल पे बेसिक से ही स्टार्ट की है मेकअप। सो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए लेकर आती हूँ डिफरेंट मेकअप, डिफरेंट बेस और आई मेकअप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ मैंने अपनी हर चीज़ कम्प्लीट कर ली, ब्लश, हाइलाइटर और कॉन्टोरिंग। अब मैं आपके सामने करूँगी कट क्रीज आई मेकअप। इसके लिए मैंने डार्क शेड का कट क्रीज में जो है ना अप्लाई कर लिया है क्रीज लाइन पे। कोई पीच ब्राउन कलर मैंने पहले ये नहीं यूज़ किया है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे जो है डार्क कलर ही यूज़ किया। उसके बाद मैंने कंसीलर से, आपके पास आई बेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आईवरी बेस यूज़ किया है। और इसे आपको बिल्कुल आपके आई का जो शेप है उसके साथ आपको बिल्कुल कंसीलर लगा लेना है और इसे आपको एंड तक बिल्कुल थोड़ा सा एस का शेप देना है और इस तरह से आपको आई बोल बना लेना है जिस तरह मैंने बनाया है। ठीक है, आपको जहाँ पे आपकी हड्डी होती है ना आइस की, अगर नॉर्मल ज़बान में कहें तो आपकी जहाँ से हड्डी है ना आइस की, वहाँ ला के आपको थोड़ा सा एस का शेप देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आई बॉल में कोई भी डिफरेंट शेड लगा लेना है। यहाँ मैंने डस्ट यूज़ किया है कॉपर गोल्डन कलर का। आप कोई भी शेड लगा सकते हो, आपके पास जो भी मेटेलिक शेड्स हों या फिर ग्लिटर्स हों या काशी के कोई शेड्स हों, आप वो सब भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये इतने आई बॉल में आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको दोबारा से वही कंसीलर से क्रीज लाइन जो है ना, क्रीज लाइन को एनहेंस करना है तो आप दोबारा से वही कंसीलर से एक ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आउटलाइन होती है ना इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा चंक्स यानी थोड़ा सा ग्लिटर वो किया, बिल्कुल लाइट सा, बहुत ज़्यादा आपको शार्प लाइन नहीं बनाना है। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आई ग्लू लगाया लिड पे और उस पर हल्का सा ग्लिटर लगाया सेम शेड का। ठीक है, फिर अब इसके बाद मैं लाइनर लगाऊंगी। थोड़ा सा लाइनर आज का डिफरेंट है, गौर से देखें इस लाइनर को। आपको आई के एंड में आपको यहाँ पे आई खींच के लंबा भी करना है, जिसकी छोटी आईज है आप उसमें ये लाइनर लगा सकते हो। मेरे पास मॉडल यही आपको पता है तो इसीलिए मैं इसके आईज में आपको सारे लाइनर सिखा देती हूँ। तो ये जो है आपको साइन का शेप बनाना है आई के बाहर से। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे जो आप शेड लगाएंगे वो आप वहाँ तक लगाएंगे जहाँ तक आपने कट बनाया है, लाइनर के कट तक आपको वो बनाना है ताकि आपका पूरा आई जो है वो बड़ा हो जाए और जो है लाइनर भी आपका खूबसूरत लगे। यहाँ पे मस्कारा लगा लूँगी, उसके बाद आई के अंदर आपको कंसीलर लगा लेना है। अब यहाँ पर जो है मैं अपने लिप्स बना लूँगी और ये फाइनल लुक आपके आगे लेकर आती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेकअप पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।